हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपना टॉपिक चल रहा है ब्रेन। ब्रेन में अपने स्टडी कर रहे हैं इंसिफेलोग्राफी या न्यूमो इंसिफेलोग्राफी। इसमें स्टडी होती है जो ब्रेन की मेनिंजियस लेयर होती है उसकी। अपन ने ब्रेन में वेंट्रिकल्स की स्टडी की थी जिसको अपन ने क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलोग्राफी। आज अपने करेंगे मेनिंजियस की स्टडी जिसमें अपना एक लेक्चर पहले हो चुका है। ये अपने आगे पढ़ते हैं, इसको प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार पीछे का थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। ये जो मेनिंजियस लेयर होती है इंसिफेलोग्राफी, यानी इंसिफेलोग्राफी क्या होती है, ब्रेन के मेनिंजियस लेयर की स्टडी करना। किसके द्वारा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के। और कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस कहां से करवाया जाता है, लंबर पंचर करके। नहीं, लंबर पंचर करके अपने क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस यानी इंसर्ट करवाएंगे और मेनिंजियस लेयर की स्टडी करेंगे। जो अपनी मेनिंजियस लेयर होती है वो स्कल और ब्रेन के जो स्कल बोन्स होते हैं वो, ये ऊपरी ऊपर वाली, और ये ब्रेन, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल फोरामिना में पाई जाती है। यानी वर्टिब्रा में कहाँ पाई जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल फोरामिना के बीच में। और स्कल में कहाँ पाई जाती है, स्कल बोन और ब्रेन के बीच में। अपने ऊपर से नीचे की तरफ बात करें तो सबसे ऊपरी ऊपर अपनी लेयर होती है ड्यूरा मैटर, सेकेंड अपनी लेयर आती है अरेग्नोइड मैटर, और जो लास्ट लेयर होती है यानी इनर मोस्ट लेयर वो कौन सी होती है, अपनी पाया मैटर। फिर उससे नीचे अपना क्या है, ब्रेन आ जाता है। जो स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं अपने एपिड्यूरल स्पेस। और ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, सब ड्यूरा मैटर स्पेस। और जो अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच का स्पेस होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, सब अरेक्नोइड मैटर स्पेस, सॉरी सब अरेक्नोइड स्पेस। ये हो गई अपनी मेनिंजियस लेयर। अब अपने जैसे इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन स्पेस के बीच में जो अपना सब ड्यूरल एपिड्यूरल सब अरेक्नोइड ये स्पेस है, इनमें कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्रेन की लेयर्स में कोई इन्फ्लामेशन हो जाना, या कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन होने से हो जाए, जिसको अपने चेक करने के लिए भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कोई भी स्पेस, जैसे कि अपने गांठ बन गई किसी नर्व ने या इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से जब बढ़ने लग जाएगी तो इनकी स्ट्रक्चर क्या, वो इस प्रकार से हो जाएगी। इसको इवेल्यूट करने के लिए जिससे इसका प्रेशर क्या है, जो इसका स्पेस होता है जिसके अंदर क्या फ्लूड होता है, इसका प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है, उसको चेक करने के लिए, इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए उसके लिए। कोई भी मेनिंजाइटिस हो गया, यानी मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन, मेनिंजियस लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाए उसके लिए, या ब्रेन का कोई भी पार्ट क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिसके कारण इनका प्रेशर इंक्रीज हो गया, या इसमें डायलेशन हो गया या डायलेट हो गई, उसको एवेल्यूट करने के लिए भी अपने प्रोसीजर करते हैं। इसके बाद बात आती थी अपनी पेशेंट प्रिपरेशन की। तो पेशेंट प्रिपरेशन में अपने क्या क्या थी, पेशेंट को एग्जामिनेशन से 4 से 5 घंटे पहले बिल्कुल कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं देंगे, उसको हल्की डाइट लेने के लिए बोलेंगे, जिस जगह को अपने क्या पंचर करना है उस जगह को अच्छी तरह सेव करके क्लीन कर लेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, उस जगह को जो अपनी पंचर साइट है उसको आयोडीन सॉल्यूशन से स्क्रबिंग करके अच्छी तरह क्लीन करेंगे इन्फेक्शन से बचने के लिए।
अगर पेशेंट को सीडेटिव इंजेक्शंस की आवश्यकता है तो वो भी अपने पेशेंट को लगाते हैं। और जो अपने पंचर साइट है, जो अपनी यानी वर्टिप्रा रीजन हो गया, स्कल रीजन हो गया, इसके अराउंड जो भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपने हटवा देंगे। ये सारी क्या है, अपने पेशेंट प्रिपरेशंस थी। इसमें अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज़ कर रहे थे, आयो हेक्सोल। इसमें अपने नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इमेज भी लेते हैं और पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इमेज भी लेते हैं। तो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इमेज के लिए अपने आयो हेक्सोल काम में आ जाएगा। अगर अपने को नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इमेज लेनी है तो अपने क्या करेंगे, एयर पुश करके वहां से एयर का यूज करते हैं। आगे अपने स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर देखो, टेल द पेशेंट टू रिमूव हिज क्लोथ्स एंड वियर ए क्लीन पेशेंट गाउन। पेशेंट को बोलेंगे कि अपने कपड़े रिमूव करे और एक पेशेंट गाउन पहन ले। पेशेंट शुड बी सिट ऑन द फ्लोरोस्कोपिक टेबल लीनिंग हिज और हर लेग्स डाउनवर्ड्स टू द टेबल, और पेशेंट शुड बी लाई इन लेटरल पोजिशन शो दैट ए लंबर पंचर प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड। पेशेंट को अपने बोलेंगे कि फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे वो बैठ जाए और अपनी जो लेग्स है उनको वो क्या करे, डाउनवर्ड्स कर ले। ये क्या होती है, फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे एक लंबर पंचर करने के लिए चेयर होती है, उस पर अपने पेशेंट को बिठा लेते हैं। या अपने पेशेंट को क्या बोलेंगे कि फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेटरल पोजीशन में लेट जाए ताकि अपने क्या है, प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके। यानी प्रोसीजर में अपने स्पेशली क्या करना होता है, लंबर पंचर, तो उसके हिसाब से अपने पेशेंट को बैठाते या लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं। नाउ ए आयोडीन सॉल्यूशन स्क्रबिंग कैन बी परफॉर्म्ड अराउंड द पंचर साइट टू प्रिवेंट एनी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब क्या करेंगे, जो अपने पंचर साइट है उसके चारों ओर अपने अच्छी तरह आयोडीन सॉल्यूशन से स्क्रबिंग कर लेंगे, किस लिए, कोई भी अपने इन्फेक्शन ना हो इसको रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बाय चांस अगर इन्फेक्शन हो गया तो पेशेंट के कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर अपने को इन्फेक्शन से बचना है तो अपने क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का स्क्रबिंग करेंगे। टेल द पेशेंट टू नॉट मूव अंटिल द स्पाइनल नीडल हैज बीन इंसर्टेड। अब अपने क्या करेंगे, स्पाइनल नीडल आती है लंबर पंचर करने के लिए, उसको इंसर्ट करेंगे। तो अपने पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट को जब तक अपने स्पाइनल नीडल इंसर्ट नहीं कर देते हैं तब तक बिल्कुल भी नहीं हिलना है। यानी पेशेंट को एक जगह फिक्स रहना है, हिलना नहीं है, क्योंकि उसके जो लंबर पंचर के लिए स्पाइनल नीडल अपने इंसर्ट कर रहे हैं वो सही लोकेशन तक चली जाए। और ये सारा प्रोसीजर क्या, अपने फ्लोरोस्कोपी में देखते रहते हैं कि कितनी अंदर गई है, कि कहाँ अपने स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करना है। नाउ ए स्पाइनल नीडल needs to be inserted into the intervertebral space between L3 and L4 into the spinal canal। जो अपने क्या है, spinal needle को insert करते हैं उसकी location बता गई, कहाँ insert करेंगे, जो अपना intervertebral space होता है। intervertebral space कौन सा हो गया, दो vertebra के बीच का जो space होता है intervertebral space, उसमें अपने स्पाइनल नीडल को पुश करते हैं। कौन कौन सी वर्टिब्रा, लंबर 3 और लंबर 4, यानी L3 और L4। L3 और L4 के बीच का जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वहां अपने क्या करते हैं, स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करते हैं। इसमें अपने क्या करेंगे, पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया लाइग्नोकेन का इंजेक्शन में अपने पंचर साइट के राउंड दे सकते हैं। ये देखो, एक लंबर पंचर करने का आपको प्रोसीजर बताया गया है। पेशेंट को अपने या तो इस सेटिंग पोजीशन में इस प्रकार बैठाते हैं,
कि पेशेंट की दोनों लेग्स टेबल से नीचे हो, या पेशेंट को बोलते हैं कि फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेटरल पोजीशन में लेट जाए। ये देखो यहाँ पे क्या है, L3 और L4 के बीच में स्पाइनल नीडल को इंसर्ट किया जा रहा है। ये इसकी जो लेयर्स है ये भी अपने को दिखाई गई है, जहाँ तक अपने क्या है स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करते हैं। यानी पहले पेशेंट को अपने या तो सिट होने के लिए बैठने के लिए बोल देंगे या लेटरल पोजिशन में लेटने के लिए बोल देंगे। फिर पेशेंट को बोल देंगे बिल्कुल भी हिलना नहीं है। अगर अपने को आवश्यकता हो तो अपन लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। अगर सिडेटिव इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़े तो वो भी दे सकते हैं। अब अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फील करके देखते हैं L3 और L4 कहाँ है। फिर अपने क्या है वहाँ एक मार्कर लगाएंगे जिससे अपनी लोकेशन कंफर्म करेंगे। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि बिल्कुल भी हिलना नहीं है जब तक कि नीडल इंसर्ट ना हो जाए। फिर अपने L3 और L4 के इंटरवर्टिब्रल स्पेस में अपने क्या है स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली इंसर्शन ऑफ स्पाइनल नीडल इनटू द स्पाइनल कैनाल, नाउ इफ नीडेड CSF कलेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग द स्टीलेट ऑफ द स्पाइनल नीडल ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF। अब अपनी क्या है स्पाइनल नीडल सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है स्पाइनल कैनाल में। अगर अपने को आवश्यकता है CSF की, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF के लिए। अगर अपने को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन CSF का करना है और उसकी अपने को आवश्यकता है तो अपने क्या करते हैं पेशेंट का CSF वहां से अपने कलेक्ट कलेक्ट कर लेंगे। एंड जो अपनी स्पाइनल नीडल इंसर्ट की है वहां से अपने थोड़ा सा CSF कलेक्ट कर लेंगे। नाउ कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू द स्पाइनल नीडल विच कुड बी इन ए स्पेसिफिक रेशियो। अब अपने क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन जो अपना कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन है उसको अपने स्पाइनल नीडल में इंसर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक रेशियो होता है कि कितना अपने को CSF निकाल लेंगे या नहीं निकालेंगे, फिर अपने कितना उसको इंसर्ट करेंगे, किस रेशियो में इंसर्ट करेंगे, वो अपने आगे भी देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट इंसेफेलोग्राफी, यानी इंसेफेलोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट कितना देते हैं, 10 ml CSF टू 45 ml ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अगर अपने क्या 10 ml CSF का कलेक्शन कर रहे हैं तो अपने को 45 ml कॉन्ट्रास्ट अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर क्या अपने स्पाइनल कॉर्ड में CSF फील्ड रहता है। फॉर एवरी 10 to 12 ml ऑफ CSF विड्राउल 45 ml ऑफ वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया नीड्स टू बी इंजेक्टेड। यानी अपने क्या है 10 से 12 ml CSF विड्राउल करने के बाद, यानी बाहर निकालने के बाद 45 ml वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर सकते हैं। ये इसका एक रेशियो बताया गया है कि अपने क्या है 10 से 12 ml CSF निकालेंगे तभी अपने क्या है 45 ml वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट कर पाएंगे। एंड इन द केस ऑफ न्यूमो इंसेफेलोग्राफी फॉर एवरी 10 ml CSF विड्रॉल इक्वल अमाउंट ऑफ एयर शुड बी इंजेक्टेड। अगर अपने वो क्या है न्यूमो इंसेफेलोग्राफी करनी है, यानी एयर वाली स्टडी करनी है, तो अपने क्या करेंगे 10 ml CSF निकालेंगे तो उसकी जगह 10 ml ही एयर को इंजेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा इंजेक्ट नहीं करेंगे। वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का क्या था 10:45, यानी 10 ml अगर अपन ने CSF विड्रॉल किया है यानी बाहर निकाला है तो 45 ml अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर सकते हैं। एयर का रेशियो क्या है 10 ml to 10 ml, यानी जितना अपन ने क्या है 10 ml अगर CSF विड्रॉल किया है तो 10 ml ही अपने एयर को इंजेक्ट करेंगे। नाउ एप्रोप्रिएट रेडियोग्राफ्स ऑफ स्पाइनल कैनाल
इन एपी एंड लेटरल पोजिशन कैन बी परफॉर्म्ड। अब अपने क्या करेंगे, स्पाइनल कैनाल का एपी और लेटरल पोजिशन में इमेज लेंगे, और जो जो इमेज की अपने को आवश्यकता होती है वो भी अपने रेडियोग्राफ्स ले लेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे। द प्रोसीजर इज एक्सट्रीमली पेनफुल, प्रोसीजर क्या होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। सीवियर हेडेक, इससे बहुत ज्यादा अपना सर दर्द रहेगा या सर दर्द रह सकता है। वोमिटिंग एंड फीवर, फीवर वोमिटिंग भी हो सकती है अपने को कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करके, एंड जैसे भी प्रोसीजर खत्म होता है तो अपने को वोमिटिंग भी हो सकती है, बहुत ज्यादा फीवर भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, और ये प्रोसीजर पेनफुल होता है। इसके बाद अपने बात करते हैं आफ्टर केयर, ये क्या है, अपना प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो आफ्टर केयर में क्या होगा, आफ्टर लंबर पंचर स्पाइनल निडल शुड बी रिमूव्ड एंड साइड शुड बी कवर्ड विद बैंडेज। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, जो अपनी स्पाइनल निडल होगी उसको अपने रिमूव कर लेंगे, और उस साइड को जहाँ क्या है स्पाइनल निडल इंसर्ट की हुई थी उसको अच्छी तरह बैंडेज से कवर्ड कर देंगे। लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्ट इन टू द पंचर साइट टेकन फ्रॉम द आर्म ऑफ द पेशेंट टू कंपनसेट द CSF लॉस। क्या करेंगे अपने स्पाइनल निडल निकालने से पहले अपने जो थोड़ी सी पेशेंट के जो आर्म होती है यानी पेशेंट की भुजा होती है, हाथ से अपने क्या करेंगे ब्लड निकालेंगे, और जो ब्लड है उसको अपने पंचर साइट में यानी स्पाइनल निडल के द्वारा अंदर इंजेक्ट कर देंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि जो अपन ने क्या CSF निकाला था वहां वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया, तो जो CSF का लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए अपने क्या करेंगे पेशेंट के हाथ से ब्लड निकालेंगे और स्पाइनल निडल के द्वारा अंदर इंजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, वी नीड टू आस्क द पेशेंट फॉर एनी डिस्कम्फर्ट इफ देर आर सो देन द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट कैन बी मेजर्ड एंड पेशेंट शुड बी शिफ्टेड इन द रिस्पेक्टेड वार्ड। अब अपने क्या करेंगे, अगर पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अपने पेशेंट से पूछते हैं अगर उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उसके वाइटल साइंस अपने क्या करेंगे असेसमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और पेशेंट को रिस्पेक्टेड वार्ड यानी जिस वार्ड में पेशेंट को भेजना चाहिए उसमें अपने पेशेंट को शिफ्ट करवा देंगे। टेल द पेशेंट टू टेक इनफ रेस्ट एंड लाई सुपाइन फॉर ए लिटिल लॉन्ग। अपने पेशेंट को बोलेंगे कि अच्छी तरह रेस्ट करें और सुपाइन पोजिशन में लेट के रहे। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे। लंबर पंचर शुड बी परफॉर्म्ड बाई ए रेडियोलॉजिस्ट एंड असेप्टिक कंडीशन। जो लंबर पंचर है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा, और ये सारा प्रोसीजर असेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए। ऑप्टिमम साइज ऑफ स्पाइनल निडल शुड बी यूज्ड, स्पाइनल निडल का ऑप्टिमम साइज आता है यानी कहाँ तक अपने को इंसर्ट करनी है उस हिसाब से स्पाइनल निडल का अलग अलग साइज आता है, तो उसी प्रकार से अपने क्या स्पाइनल निडल इंसर्ट करेंगे। देखो ये अपना क्या है इंसिफेलोग्राफी कंप्लीट होती है। एक बार इसके प्रोसीजर का अपने रिवाइज कर लेते हैं, तो पेशेंट सबसे पहले अपने पास पूरी पेशेंट प्रिपरेशन करके आता है, तो अपने पेशेंट को क्या बोलते हैं कि अपने कपड़े रिमूव करें यानी एग्जामिनेशन रूम में आने के बाद अपने कपड़े रिमूव करें और
पेशेंट गाउन पहन ले, फिर जो उसके पंचर साइट होती है उसको अच्छी तरह सेव करके अपने क्लीन करते हैं, फिर आयोडीन सॉल्यूशन से वहाँ का स्क्रबिंग करते हैं अच्छी तरह, क्यों, इन्फेक्शन से बचने के लिए। अपने पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट या तो बैठने की पोजीशन में फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे बैठेगा या लेटरल पोजीशन में फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेट जाए। पेशेंट को बोलेंगे कि बिल्कुल भी अब हिले नहीं जब तक स्पाइनल लेडल इंसर्ट ना हो जाए। स्पाइनल लेडल इंसर्ट होने के बाद क्या करेंगे, पेशेंट को अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एक रेशियो होता है, किस रेशियो में इंजेक्ट करेंगे, अगर अपने 10 ml CSF वहाँ से विड्राउल करते हैं तो 45 ml अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं। अगर अपने न्यूमो इंसेफेलोग्राफी करनी है तो अपने क्या करते हैं, 10 ml जहाँ से कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सॉरी 10 ml CSF विड्राउल करेंगे तो 10 ml ही अपने क्या करेंगे, एयर वहाँ से इंजेक्ट करेंगे। अगर अपने को CSF की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए आवश्यकता होती है तो वहाँ से अपने क्या है, CSF विड्रॉल कर सकते हैं। फिर अपने जो स्पाइनल लेटरल इंसर्ट हो गया वहाँ से अपन ने क्या किया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर दिया। अब अपने क्या करेंगे, एपी और लेटरल इमेज और बाकी अपने को जो भी आवश्यकता होती है वो इमेज अपने ले लेते हैं। फिर अपने आफ्टर केयर की बात करें तो पेशेंट को क्या है, पंचर साइट पे पेशेंट के हाथ से ब्लड निकाल के और अपने क्या करते हैं, स्पाइनल लेडल के द्वारा इंजेक्ट करते हैं CSF को कंपनसेट करने के लिए। उसके बाद पंचर साइट से स्पाइनल लेडल रिमूव करेंगे और उसको अच्छी तरह बैंडेज से कवर्ड कर देंगे। अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उसको अपने वाइटल साइंस मेजरमेंट करेंगे और रिस्पेक्टेड वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और अपने पेशेंट को क्या बोलेंगे कि सुपाइन पोजीशन में लेट के अच्छी तरह आराम करे। इसके से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सीवियर पेन, हेडेक हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, फीवर हो सकती है, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो ये प्रोसीजर अपना न्यूमो इंसेफेलोग्राफी और इंसेफेलोग्राफी कंप्लीट होता है। थैंक यू।